नमस्ते। कैप्रिकोन लग्न मकर लग्न सितंबर 2024 कैसा रहेगा? देखिए, आपके लिए मैंने जो गए महीने में बोला था, अगस्त 19 दिन तक का समय बड़ा अच्छा है बोला था। विवाह होगा या वैवाहिक जीवन के लिए कोई ट्यूनिंग मिलेगा, बढ़िया टाइम है 19 तारीख तक का, ऐसा प्रेडिक्शन दिया था। 20 तारीख से अभी इस महीने में 21 सितंबर तक, इन शॉर्ट इस महीने के पहले प्रेडिक्शन दिखता हूँ, फिर डेट्स बताता हूँ कि इस महीने में घर को अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट डे, बेस्ट मंथ टू मूव अन ए न्यू हाउस। और 19 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ये चीज आपका जितना जल्दी करते हो और अच्छा है। काम धंधे के लिए देखिए, आपके कर्मस्थान में मालव्य योग बना है, पंच महापुरुष योग बना है 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक, यानी कि काम धंधे के लिए पंच महापुरुष योग आपके काम धंधे में कोई नया प्रपोजल, जॉब का ऑफर, फैशनेबल चीज से रिलेटेड, यानी कि एडवर्टाइजिंग, मीडिया, ऑटोमोबाइल, उससे रिलेटेड काम का ऑफर आना ही चाहिए। कुछ पैसे का जो विषय में कुछ रहस्य भी रहेगा 20 अगस्त से 21 सितंबर तक। हो सकता है आप अपनी वसीयत लिख दो, हो सकता है आपके अगर उम्र बड़ी है तो आपके अपनी वसीयत लिखने का समय, उम्र छोटी है तो आपके पिता से वसीयत मांगने का या आपके हेरिटेशन का कुछ क्लैरिटी करने का समय। और जॉब के लिए, काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। अब 9 नवंबर तक अब घर में अभी अभी अवेलेबिलिटी आपकी कम रहेगी। 9 सितंबर से धीरे 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 आप काम में बहुत उलझेंगे, नया घर का बेनिफिट लीजिएगा। कुछ डेट है जो आपको केयरफुल रहना, जैसे 2nd एंड 3rd एंड 29 एंड 30 विल बी द स्ट्रेसफुल, 12 एंड 13 विल बी द एक्सपेंसिव, एंड 24 सितंबर आपका हेल्थ का इश्यू आ सकता है। तो जरा इसको नोट करिएगा, टोटल 30 डेज का महीना है। इसमें से 2nd, 3rd, 12th, 13th, 24th, 25th, 29th एंड 30th इसको हो सके तो टालिएगा शुभ कार्य करने के लिए। दोज हु आर जॉबलेस, उनको इस महीने में जॉब मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि कर्मेश कर्मस्थान में आया है, पंचमेश दशम में है। 18, 19, 20 और 27, 28 को जाने मत दीजिएगा, मतलब कोशिश करिएगा इंटरव्यू इसी दिन हो जाए तो बहुत अच्छा है, आपकी सक्सेस डबल हो जाएगी। अवॉइड, ऑलरेडी जॉब में है तो आपको आर्ग्यूमेंट 8 और 9 सितंबर को टालना है अपने वर्क प्लेस पर। 16 और 17 सितंबर को आपके वर्क प्लेस के रिलेटेड रॉन्ग डिसीजन टालने हैं, पोस्टपोन कर देने हैं 16 और 17 को। और आपके लिए स्टूडेंट है, समझो स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा मान रहा हूं, 22 सितंबर के बाद 8 अक्टूबर तक एक बहुत बढ़िया समय आ रहा है, बहुत बढ़िया समय, यानी वो आपको चीज दिखाई देगा मेरे बोलने की बात से और वो कंफर्म हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए इस साल एक बहुत अच्छा सक्सेस भी मिलेगा, क्योंकि कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, आपके लग्न को गुरु देख रहा है, कर्मस्थान को नहीं, कर्मस्थान में ऑलरेडी शुक्र है और लग्न को गुरु देख रहा है। बहुत अच्छे समय से स्टूडेंट जा रहे हैं, और विवाह के लिए कोशिश करते रहो, क्योंकि विवाह के लिए 22 सितंबर के बाद 8 अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय, आपके जिंदगी में स्टेबिलिटी बढ़ेगा और आपका वजन भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। थैंक यू वेरी मच।